अरे इतना सारा बेटा, शुक्रिया। अरे बेटा, वो खाने से याद आया कि तुम्हें पता है ना, हमारे एक बेबी टमाटर का पौधा है। हाँ। पिछले एक महीने से उसमें एक भी टमाटर नहीं आया, तो तुमने उस दिन कहा कि आएंगे तो सच में आ गए। हाँ? हाँ। वो आ गए टमाटर। हाँ अंकल, खाने को कब मिलेंगे? बस बेटा, 2-3 दिन में मिल जाएंगे। अच्छा, तो मैं ना जल्दी से आपके घर आके ले जाऊंगी। खाओ। वो कमरा हम नहीं दे पाएंगे बेटा, वो हम उस दिन विशेष को कमरा नहीं दे पाए, उसके लिए वेरी सॉरी। अरे नहीं नहीं अंकल, सॉरी क्यों बोल रहे हो आप? इनफैक्ट मुझे आपको थैंक यू कहना चाहिए कि आपने विशेष को कमरा नहीं दिया किराए पर। आपने ना मेरा बहुत बड़ा फायदा करवाया है। बताऊं कैसे? एक्चुअली ना उस दिन मेरे घर का एक कमरा खाली हो गया, तो वो कमरा मैंने विशेष को दे दिया किराए पर। और मेरा रेंट आना तो शुरू हो गया। कूल ना? फिर तो अच्छा है बेटा, वरना हमारे दिल पर इतना बोझ था। चलो, तुम्हें बुरा नहीं ना लगा? आंटी, इसमें बुरा क्यों मान रही हो आप? आप ना बस चिल करो और खाना खाइए। बहुत प्यारी बच्ची हो तुम। चलिए। साहिल, तूने खाना खाना शुरू नहीं किया? अरे फिल्म देखने जाना है। अरे अरे बेटा, ध्यान रखो अपना। ये लो पानी पी लो। शाबाश। ठीक हो? बेटा, खाना खाते वक्त बोलना नहीं चाहिए। ओके अंकल, अब जब तक खाना खत्म नहीं होता तुम नहीं बोलोगी, समझी? समझी। चलो खा लो अभी शांति से। वाओ यम्मी, बहुत अच्छा सैंडविच है, टेस्टी। रामू, आशी को देखना जरा। कितनी बार कहा है कि खाना खाते टाइम बातें मत किया, ये सुनती ही नहीं है। बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा का यहाँ जबलपुर में ऑफिस कहाँ है? अंकल, उनका यहाँ जबलपुर में कोई ऑफिस नहीं है, वो लोग हमेशा बाहर रहते हैं टूर पे। जब भी फ्री टाइम होता है तो मेरे साथ रहने आ जाते हैं। भाई, इतनी प्यारी बच्ची हो, तुमसे दूर कोई कैसे रह सकता है, हैं? आशी, तू और कितना छुपाएगी? मैं सोच रहा था आज सोमवार है, आप लोग आए क्यों नहीं, प्रसाद ग्रहण कीजिए। पंडित जी, ऐसा कभी हो सकता है? सोमवार और हम यहाँ आए? सब भोलेनाथ की इच्छा। मम्मी पापा, आज पहली बार आप लोगों के बिना दर्शन करने आया। I miss you all.
तेरे मम्मी पापा तेरे साथ टाइम स्पेंड करना ही नहीं चाहते। देख पिक्चर के लिए बहुत लेट हो रहे हैं, चलते चलो। साहिल वो लोग आते ही होंगे। आई होप कि तुझे मूवी खत्म होने से पहले रियलाइज हो जाए कि वो दोनों नहीं आने वाले। नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, उन्होंने बोला था ना कि वो बिजी है, वो लोग रास्ते में ही होंगे। देखा तेरा फोन तक नहीं उठाया उन्होंने। साहिल तो इतना पेसिमिस्टिक क्यों है? तुझे याद है पिछले महीने हम बहुत एक स्टूपिड सी फिल्म देखने गए थे, सब लोग कह रहे थे कि बहुत ही बकवास है, फिर भी हम गए थे देखने इसी होप के साथ कि फिल्म बहुत रॉकिंग होगी। यू नो साहिल, लाइफ की गेम में खुशियों के पॉइंट्स जीतने के लिए होप नाम के प्लेयर पर ही डिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो तुझे लगता है कि तू होप नाम का ये इनविजिबल स्टिकर लगाकर बैठी रहेगी और एक दिन जादू से तेरे मम्मी पापा तुझे प्यार करने लगेंगे, तेरी केयर करेंगे। आशी ये सिर्फ तेरे सपनों में होने वाला है। अगर तेरे मम्मी पापा इंटरवल तक भी आ गए ना तो मैं अपनी ये एक्टिंग छोड़ के अपने पापा का बिजनेस ज्वाइन कर लूंगा। पापा मैं तेरी मम्मी पापा का वेट करने नहीं आया हूं। यहां पर ना शाम को प्योर हवा चलती है और प्योर हवा एक एक्टर की स्किन को और निखारती है। अच्छा ठीक है बाबा, तेरे मम्मी पापा का वेट कर लेते हैं। आई होप कि वो आ जाए। इसमें तो आशी के मिस्ड कॉल्स हैं, वो भी 10। हमें तो उसके साथ मूवी देखने जाना था ना। अब तक तो काफी फिल्म निकल गई होगी, समझ गई होगी कि हम लोग बिजी हैं। ये क्या हो रहा है गुप्ता जी, इतना छोटा सा मैटर आप सेटल नहीं कर पा रहे हो? आप अच्छी तरह से जानते हो कि हमारे बिल्डिंग के प्लान के लिए हमें वो जमीन चाहिए ही चाहिए। अरे पैसा फेंकिए उनके मुंह पर, समझाइए उन्हें प्लीज। पता नहीं कौन है वो बुड्ढे, मान ही नहीं रहे। पुरानी फिल्मों की बात ही कुछ और। अरे आप तो चीटिंग कर रहे हैं, आप छील कम रहे और खा ज्यादा रहे, देख रही हूँ मैं। अरे ऐसे तो बन गई मेरी सब्जी। मानसी जरा आटा गूंदो बेटा, और सुनो सब्जी में आज आलू मटर बनाऊंगी। मम्मी हम लोग फिल्म देखने जा रहे हैं, खाना बाहर ही खा लेंगे। अरे मम्मी जी वो क्या है ना, मैंने अभी नेल पेंट लगाया है, खराब हो जाएगा। आपको तो पता ही है ना कितनी मेहनत लगती है नेल पेंट लगाने में। प्लीज मम्मी जी आप ही आटा गूंद दीजिए ना। कोई बात नहीं, ठीक है मैं कर लूंगी। दादा दादी भी हमारे साथ चलेंगे ना? नहीं। क्यों? शुक्र अब एक और सवाल किया ना तो तुम्हें यहीं छोड़ के चले जाएंगे। बस बस जा, जाके एंजॉय करके आ। बाय बेटा। हमारे बच्चों को हमारी कोई फिक्र ही नहीं है। पर साथ चलने को कह ही देते तो हम कौन सा चले जाते उनके साथ। कितना फर्क है आशी के साथ जब होते हैं तब अपनेपन का एहसास होता है। देखिए ना उसने बस खाना खाने के लिए कह दिया और हमने खा भी लिया। वो तो सिर्फ और सिर्फ प्यार और खुशियां बांटती है। सही कह रहे हैं, बहुत प्यारी बच्ची है आशी। भगवान बस उस बच्ची को
ऐसे ही खुश रखे, सारे गमों से, दुखों से, तकलीफों से कोसों दूर रखे, ऐसी हंसती खेलती रहे आशी। टीवी में भी कुछ ढंग का नहीं आ रहा है। अरे मदन काका जा रहे हैं। अरे हाँ, रिमोट वही छोड़ के जा रहे हैं। परेशान मत होइएगा, पिछली बार की तरह ले नहीं जाएंगे, परेशान मत होइएगा। हाँ नहीं तो देखिए, मम्मी पापा को बता देना चाहिए था कि वो फिल्म के लिए नहीं आ रहे। मैंने तो पहले ही बोला था वो नहीं आने वाले। क्या कांड? हाय गजब, ये तुम्हारे घर में कैसे घुसा? आशी, आशी, आशी इधर आ बेटा, आजा, दूर रह इससे, इससे दूर ही रहना। अरे ये वही कुकर्मी क्रिमिनल है। हाँ हम जानते हैं इसको। अरे अखबार में फोटो देखी है इसकी, देख इसकी हिम्मत तो देख, हमारे घर में घुस आया है। घर में कैसे घुस गया? हाँ पुलिस को फोन। नहीं आंटी, नहीं फोन नहीं करना है। रोक रही हो हमको? हाँ हम तुमको बोले ना बेटा, ये वही है जो लड़कियों को छेड़ता है। हाँ नहीं तो, अरे अव्वल दर्जे का क्रिमिनल है ये। ये आशी दीदी का दोस्त कैसे हो सकता है? आशी दीदी को पता ही नहीं होगा ये क्रिमिनल है। खड़े खड़े देख क्या रही हो? पुलिस को फोन करो ना। नहीं आंटी। देखिए आई एम सॉरी, मुझे यहाँ किराए पर रहने के लिए आने नहीं चाहिए था। गजब, तो किराए पे कमरा दिया है तुमने? किराए पे रखी हो इसको? हे भगवान। अरे साहिल बेटा, तुम इसके दोस्त हो, तुम्हें समझाना चाहिए ना। तुम कहीं नहीं समझाते हो कि लड़की क्या कर रही है। ऐसा कुछ हो? अरे एक अंदर कहाँ जा रही है? आंटी, अरे आंटी मैं आपको कैसे समझाऊं? अभी उसे समझाना पड़ेगा कि मीटिंग की वजह से हम लंच पर नहीं आ पाए, शाम को फिल्म देखने भी नहीं आ पाए, अपसेट हो गई होगी वो। एक काम करते हैं, उसे डिनर पर ले चलते हैं, या फिर जो भी वो करना चाहे, आज किसी चीज के लिए मना मत करना। आज वो जो भी मनमानी करे करने दो। ठीक है, आज तुम्हारी कोई मनमानी नहीं चलेगी आशी। तुमसे बड़ी हूं मैं उम्र में, दुनिया तुमसे ज्यादा देखी हमने। अरे फटाके तुमने हमसे ज्यादा फोड़े होंगे, लेकिन दिवाली हमने तुमसे ज्यादा देखी है, समझी? आंटी प्लीज एक बार समझने की कोशिश कीजिए, विशेष वैसा लड़का नहीं है। हाँ तो पिछले जन्म में हमने अच्छे कर्म किए थे, इसीलिए ऐसे लोगों से जान पहचान नहीं है हमारी। क्या हो रहा है? नहीं तो भैया, भाभी देखिए आपकी बेटी को समझाइए, कैसे कैसे लोगों को किराएदार रख रही है ये। मम्मी आंटी कुछ भी बोलती रहती है। हैं? हम पगला गए जो कुछ भी बोलते रहते हैं? हाँ नहीं तो। पापा प्लीज मेरी बात पर ट्रस्ट कीजिए, विशेष ऐसा लड़का नहीं है, इज अ वेरी नाइस गाय। गाय जितना सीधा नहीं है भैया, एक नंबर का बदमाश। आंटी एक मिनट के लिए आप चुप रहेंगी प्लीज? पापा प्लीज मेरी बात पर ट्रस्ट कीजिए, विशेष विशेष बात उसमें कुछ भी नहीं है भैया, इसको कुछ नहीं पता, ये किसी को भी किराए पर कमरा दे देती है। याद है आज जब मैंने आशी से विशेष को कमरा ना देने के लिए सॉरी कहा, तो उसने कितनी चालाकी से कहानी बनाई कि कैसे उसका किराएदार चला गया और उसने विशेष को अपने कमरे में रख लिया जिससे उसका फायदा हुआ। मैंने भी पकड़ लिया था उसे, समझ गई थी मैं भी कि हमें बुरा ना लगे इसलिए वो कहानी बना रही है। कितना ख्याल रखती है हमारी भावनाओं का,
बल्कि मैं तो कहती हूँ सबकी भावनाओं का। इसीलिए तो विशेष को अपने घर लेकर गई ताकि हमें पछतावा ना हो। लेकिन मुझे ना इस बात का बहुत डर लग रहा है, इस विशेष को घर ले जाने वाली बात की वजह से उसके मम्मी पापा के साथ उसकी कोई अनबन ना हो जाए। अनबन क्यों होगी? जब हम आशी पे विश्वास करके विशेष को कमरा देने के लिए राजी हो सकते हैं तो उसके माँ बाप को भी आशी पर पूरा विश्वास होगा कि उनकी बेटी कोई गलत काम नहीं करेगी, है ना? काश ऐसा ही हो। इससे तो अच्छा होता कि तुम घर में सांप पाल लेती। आप रहने दीजिए भाभी जी, हमें अपनी बेटी आशी पर पूरा भरोसा है। आशी कभी कोई गलत डिसीजन नहीं ले सकती। दिखती बच्ची है लेकिन मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। एनीवेज हाय गजब, अभी भैया आप लोग नहीं जानते हो कि आशी ने किस लड़के को किराए पर रखा है। मम्मी मम्मी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, विशेष बहुत अच्छा लड़का है। पापा पापा पापा, मैं विशेष को जानती हूँ, वो बहुत अच्छा लड़का है। उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, वो रस्ते पर सो रहा था, इसीलिए मैं उसे अपने घर लेकर आई। पापा वो बहुत अच्छी फैमिली से है, पापा उसे एक बार जॉब मिल जाए उसके बाद वो यहाँ से चला जाएगा। प्लीज ट्रस्ट मी, मैं सिर्फ उसकी हेल्प कर रही हूँ। किसी को हेल्प करना क्या बुरी बात है? तुम्हारा दोस्त यहाँ रह सकता है। सच पापा? इनको तो सुनना भी नहीं है कि आशी ने किसको किराएदार रखा है। लेकिन भाभी प्लीज, हमें कुछ नहीं सुनना है। आशी इतने सालों से यहाँ इंडिपेंडेंट रहती है, रिस्पॉन्सिबल है, उसने कुछ सोच समझ के ही अपने फ्रेंड को रखा होगा ना। एनीवेज थैंक यू पापा। एनीथिंग फॉर यू बेटा, तुम्हारा दोस्त है और तुमने बताया कि उसके पास जॉब नहीं है। हाँ पापा, उसके पास कोई जॉब नहीं है। मैं किसी से उसकी जॉब की बात करता हूँ। हेलो, थैंक यू सो मच पापा। साहिल देखा देखा, पापा ने कहा कि वो विशेष को जॉब दिलवाएंगे। आज पहली बार पापा ने मेरी बात मानी। आई एम सो हैप्पी। मैं विशेष को बताकर आती हूँ, अब तक तो उसे पैकिंग भी कर दी होगी। मैं अभी आती हूँ। पता ही नहीं चलता इस लड़की पर गुस्सा करो कि दया करो। हाँ नहीं तो अब जब माँ बाप ही कुछ नहीं कहते तो हम क्या बोले। आशी, मैंने पहले ही कहा था ये तो होना ही था, मुझे पहले ही चले जाना चाहिए था। डोंट वरी, मैं जा रहा। शीश स्टैचू, अरे स्टैचू मतलब रुक जाओ, जो काम कर रहे हो वहीं पर अटक जाओ। विशेष रुको। आशी क्या प्रॉब्लम है? किस में इतनी ऑसम क्यों? किस करो? क्योंकि मेरे मम्मी पापा बहुत ऑसम है। यू नो जबरू आंटी को तो मेरी हर चीज से प्रॉब्लम रहती है और उनकी नॉनस्टॉप नॉनसेंस को मम्मी पापा ने रॉयल इग्नोर कर दिया। पता है मम्मी ने कहा कि अगर आशी ने किसी पे ट्रस्ट किया है तो वो बंदा गलत हो ही नहीं सकता। और पापा ने कहा कि तुम जब तक यहां रहना चाहते हो तुम रह सकते हो।
वो तुम्हें जॉब दिलवाने में हेल्प भी करेंगे। बिली नहीं हो रहा ना मेरे नए वाले पिंक बेलीज की कसम, सच्ची पापा ने ऐसा कहा। विशेष तुम यही सोच रहे हो ना कि मेरा एहसान कैसे उतारोगे? बैठो। रीले पता है रीले? एक बंदा बैटन लेकर भाग रहा है, वो बैटन वो किसी और को पास ऑन कर देता है और फिर वो बंदा किसी और को। फेवर भी एक रीले की तरह ही है, आप पर किसी ने फेवर किया, वक्त आने पर वो फेवर अपने किसी और को पास ऑन कर दिया। यू नो फिनिश लाइन क्रॉस करने वाले को सबसे ज्यादा खुशी होगी, लेकिन उसकी खुशी में आपका भी हिस्सा होगा। विशेष पूरी दुनिया इसी फेवर रीले पर चल रही है, बस भागते रहना है और फेवर पास ऑन करते रहना है। साहिल भैया ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है, आशी दीदी कैसे एक क्रिमिनल को अपने घर पे रख सकती है? साहिल भैया दीदी जानती कितना उसके बारे में? तुम दोनों के नाम के अलावा वो और कुछ नहीं जानती थी जब उसने तुम दोनों को किराए पे रखा, क्योंकि उसने अपने दिल की सुनी, तब तो किसी ने सवाल नहीं किया। आज भी उसने अपने दिल की सुनी है। और कोई सवाल? डियर डायरी, आज मैं बहुत खुश हूं, मम्मी पापा ने विशेष को घर में रखने की परमिशन दे दी। जबरू आंटी थोड़ा नाराज होकर गई है, पर कोई बात नहीं, जैसे मैं साहिल को मना लेती हूँ ना वैसे उन्हें भी मना लूंगी। What say? और पता है आज मम्मी पापा ने कहा कि उन्हें मुझ पर बहुत ट्रस्ट है, उन्होंने जबरू आंटी की भी कोई बात नहीं सुनी थी, उससे मुझे बहुत अच्छा लगा था। वो लोग फिल्म देखने नहीं आए थे क्योंकि वो लोग बिजी थे ना, उन्होंने ही तो कहा था उन्हें कितना काम है। पर मैं जानती हूँ मम्मी पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। They really love me. I'm very happy today.